गर्मियों और लू से भी बचाएं, साथ ही साथ खाने के टेस्ट को भी उभार दें। जी हाँ फ्रेंड्स, सलाद की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, दिखने में तो सिंपल है लेकिन इसका टेस्ट इतना गजब है कि आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे। तो आइए हम टेस्टी सलाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सलाद बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, इसे हमें छिलका निकाल देना है और छिलका निकालने के बाद इसे हमें वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें इसे गोल गोल पीसेस में कट कर लेना है। देखिए इस तरह के हमें गोल गोल पीस काट लेना है। इस तरह से गोल कटे हुए प्याज की लेयर को हमें अलग अलग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने प्याज की लेयर अलग अलग कर ली है। अब हम इस पे नींबू डालेंगे, नींबू का थोड़ा सा रस डालना है हमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारी चीज़ें हमें इसमें चुटकी से ही डालना है ताकि सब तरफ अच्छे से लग जाए। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, यदि आप डालना चाहे तो डालें, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप जीरावन भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, चुटकी से डालेंगे तो सारी जगह अच्छे से मसालों का लेयर लग जाएगा। उसके बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाले सभी जगह अच्छे से लग जाएं। इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। यदि कोई मेहमान आते हैं तो आप इस तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट तो बहुत ही गजब का है इसका। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही कम सामान लगता है और घर की सारी चीज़ों से आसानी से सलाद 5 मिनट में रेडी हो जाता है, तो इसलिए आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया है प्लेट में सलाद को, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए हमारा टेस्टी सलाद बनकर रेडी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।